जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे, विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी नहीं बल्कि खजाने पर है निशाना। तो वहीं राहुल गांधी ही हैं विपक्ष के दूल्हा, लालू यादव ने इशारों में दे दिया भाजपा को जवाब। तो उधर राहुल गांधी को सलाह देकर लालू यादव ने लूट ली महफिल, बोले आपकी मम्मी कहती है कि आप बात नहीं सुनते, आप जल्द शादी कर लीजिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा बिना इफ और बट किए कांग्रेस को अध्यादेश का विरोध करना चाहिए था लेकिन ये ज्यादा होशियार हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भ्रष्टाचार किया है तो सजा भी काटनी पड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की नई टीम का खाका तैयार, जल्द होगा बदलाव। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी समेत 15 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को बिहार राजधानी पटना में बड़ी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में अगले लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। आगे की रणनीति के लिए अगले महीने यानी 12 जुलाई को शिमला में बड़ी बैठक बुलाई गई है। विपक्ष की इस बैठक पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए दावा किया है कि ये सभी दल एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्ष की बैठक पर सवाल उठाते हुए इनमें शामिल हुई पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पूछा है। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज भी राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का यह गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी का ब्लैकमेल करना इस नापाक गठबंधन के भविष्य को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस विपक्षी एकता के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश का खजाना है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ही होंगे विपक्ष के दूल्हा, लालू यादव ने इशारों में दे दिया भाजपा को जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सवाल करते हुए कहा था कि 2024 की बारात का दूल्हा कौन है। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों में भाजपा को जवाब दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित चुटीले अंदाज में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि आप करिए, हम लोग बारात में चलेंगे। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनो, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। लालू यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अक्सर विपक्ष से सवाल करती रही है कि मोदी के खिलाफ उनका चेहरा कौन है। विपक्षी बैठक से कुछ ही घंटे पहले भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने भी सुना है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए बारात सजा रहे हैं लेकिन बारात का दूल्हा भी होता है। 2024 की पटना की बारात का आखिर दूल्हा कौन है? विपक्ष में सभी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। कुछ की इच्छा बाहर है तो कुछ की इच्छा अंदर दबी हुई है। अब माना जा रहा है कि लालू यादव ने इशारों में कह दिया है कि राहुल गांधी ही विपक्ष के दूल्हा हैं। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बिना इफ और बट किए कांग्रेस को करना चाहिए था अध्यादेश का विरोध लेकिन ये ज्यादा होशियार हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक के खत्म होने के बाद भी केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने अपना फैसला अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्टेटमेंट जारी होने के बाद विधायक नरेश बालियान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान ने ट्वीट कर कहा कि इन महाशय को लगता है कि ज्यादा होशियार हैं। भाजपा ने काला अध्यादेश लाया, बिना इफ बट किए कांग्रेस को विरोध करना चाहिए था लेकिन पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि इस पर समर्थन करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो धर्म युद्ध है, या तो आप उस पर रहिए या फिर इस पर आइए। विपक्षी नेताओं की बैठक में अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का चुप रहना आम आदमी पार्टी नेताओं को पसंद नहीं आया, इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होकर वहां से सीधे निकल गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 24 घंटे पहले ही ऐसा कुछ होने की आशंका जता दी थी। वहीं केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि दिल्ली में अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब डील हो गई है। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भ्रष्टाचार किया है तो सजा भी काटनी पड़ेगी, यही विधि का विधान है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री अजय माकन ने दिल्ली से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और उनके दल के बीच जारी तनातनी के बीच आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिला हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस नेता अजय माकन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना उस वक्त साधा जब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के विषय पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मौजूदगी वाली विपक्ष की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने यह दावा किया कि केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। अजय माकन का कहना है कि आम आदमी पार्टी जिसके 542 में से केवल एक लोकसभा सदस्य है वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहती है और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे, क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो काटनी पड़ेगी, यही विधि का विधान है। अगली बड़ी खबर 2024 में बड़ी जीत की तैयारी, कांग्रेस की नई टीम का खाका तैयार, जल्द होगा बदलाव का ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी उदयपुर नवसंकल्प और रायपुर महाधिवेशन में किए गए फैसलों को लागू करते हुए कई युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके साथ संगठन को नयापन देने के लिए कई प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा और मुलाकातों का दौर लगभग पूरा हो गया है। सभी को साथ लेकर चलने और सभी वर्गों व क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए नई टीम का खाका तैयार है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नई टीम की घोषणा अब कभी भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि नई टीम की घोषणा होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ पटना में विपक्षी दलों की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा यह हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में सियासी वार पलटवार पहले से ज्यादा तेज हो गया है। विपक्षी दलों की पटना बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल चाहते थे कि अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे, लेकिन देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने इतना जरूर कहा कि इसके लिए सही मंच संसद है, राज्यसभा में जब भी लाएगा तो कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। इससे नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं ने पटना बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बहिष्कार कर दिया। आम आदमी पार्टी के इस रुख के बाद बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका मिल गया है। उन्होंने मौके का लाभ उठाते हुए अब मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन खुराना के बेटे और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मैंने कल ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी नेता ये काम करेंगे, हम केजरीवाल के नस नस से वाकिफ हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस तो उनका बहाना था, उनका असल मकसद कुछ और है, उनका मकसद है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट उन्हें घोषित किया जाए। अगली बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों को दे डाली कड़ी चुनौती, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शिवहर पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी बैठक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पटना में लुटेरी पार्टियों की बैठक हुई, विपक्षी पार्टियों को उन्होंने लुटेरों की संज्ञा दी और आगे कहा कि विपक्षी पार्टियों में अगर हिम्मत है तो वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके दिखा दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है जो घोषित भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों में शामिल अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत अन्य नेता 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं, समय पर जीतनराम मांझी की तरह चिराग पासवान की भी घोषणा कर देंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की हिंदुओं पर टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रात में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं।
अगली बड़ी खबर, रैलियों के जरिए बीजेपी ले रही सांसदों और विधायकों की अग्नि परीक्षा, फिर पार्टी हाईकमान तय करेगा भविष्य। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और रैलियों के जरिए सांसदों और विधायकों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 30 जून तक प्रदेश में की जा रही रैलियों के आधार पर नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सांसदों ने रैली को लेकर अपने जिले में किस तरीके की तैयारियां की हैं और वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटों पर सांसद का प्रभाव है, इस रिपोर्ट कार्ड से ही तय होगा कि लोकसभा चुनाव में उस सांसद को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा ताकि अगले लोकसभा चुनावों से पहले सांसदों की जमीनी हकीकत का पता चल सके। सांसद ही नहीं बल्कि विधायकों की भी कुंडली तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर यह तय होगा कि किस नेता का कितना वजूद है। पिछले दिनों गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देवा और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसदों को लोकसभा स्तर की रैलियों में पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि इन रैलियों के जरिए उनके पास पूरी ताकत दिखाने का मौका है। कुल मिलाकर बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में फिर से शुरू हो गया बवाल, राजस्थान कांग्रेस में मची खलबली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच जंग अब नए अंदाज में शुरू हो गई है। अब सचिन पायलट कैंप के सीनियर मंत्री और विधायकों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान करा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अशोक गहलोत गुट के सामने चुनाव से पहले नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सचिन पायलट कैंप की त्रुप की इस चाल से उनके निशाने पर उम्रदराज अशोक गहलोत और उनके समर्थक मंत्री हैं। इससे राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में बड़ी खलबली मच गई है। सचिन पायलट गुट के गद्दावर नेता और सीनियर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ऐलान किया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेखावत ने इसकी वजह अपनी उम्र और सेहत को बताया है। शेखावत ने कहा कि उनके समर्थक फिर उन्हें विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेखावत विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री भी रह चुके हैं। सिर्फ शेखावत ही नहीं बल्कि सचिन पायलट समर्थक एक और विधायक भरत सिंह ने भी कुछ दिन पहले खुद के चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह सलाह भी दी थी कि वे भी कुर्सी का मुंह छोड़ दें और युवाओं को मौका दें। सचिन पायलट के समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी तो सचिन पायलट की रैली के मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, पटना में हुई बैठक पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला जबरदस्त हमला। बोले विपक्ष को अब ये एहसास हो गया है कि देश मोदी के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए नहीं बल्कि वंशवादी राजनीति को बचाने के लिए बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया जिन्होंने पीडीपी के साथ हाथ मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बैठक मोदी हटाओ के लिए है लेकिन वे अपने वंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाने के लिए उद्धव ठाकरे हमारी आलोचना करते थे, अब वो महबूबा मुफ्ती की बगल में बैठे हैं और गठजोड़ बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष को अब यह एहसास हो गया है कि देश मोदी के काम के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 2019 में निरर्थक ही प्रयास किया था और लोग 2024 में बीजेपी को बड़ा जनादेश देंगे। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि सभी वंशवादी पार्टियां एक साथ आ गई हैं और अपने परिवारों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। उनके लिए सरकार चलाना व्यवसाय है लेकिन मोदी जी के लिए ये देश की सेवा है। आपको बता दें कि फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की जनता मोदी के कामों के लिए उन्हें एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।